केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में यह कानून लागू हो गया है। वहीं CAA के लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। CM धामी का कहना है कि CAA का ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, इसी प्रकार से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था, जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।